नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस फ्रेंड एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। देखिए यहां पे कुछ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली काम आएंगे, ठीक है। सो ये आपकी G8 कंट्रीज़ है, तो इसका ट्रिक देखिए, जीजा कहीं बार फ्रांस आए, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेम्बर्स हैं। देखिए, जी से जर्मनी, जा से जापान, कै से कनाडा, ई से इटली, ब्रा से ब्रिटेन, आर से रूस और फ्रांस आए, ठीक है, आ से ऑस्ट्रेलिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक है। अगर मैं G8 कंट्रीज़ की बात करूँ तो फटाफट से इसके बारे में भी देख लीजिए, द ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़, ठीक है। जैसे पहले ये G6 था, ग्रुप ऑफ 6 था, और फिर उसके बाद G7 हुआ। इज़ अ फोरम क्रिएटेड बाय फ्रांस इन 1975 फॉर द गवर्नमेंट ऑफ 6 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। इन 1976 कनाडा ज्वाइन द ग्रुप, दस क्रिएटिंग G7। इन 1997 द ग्रुप एडिट रशिया, दस बिकमिंग द G8। इन एडिशन टू द यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड विद इन द G8 बट कैनॉट होस्ट और चेयर, ठीक है। और भारत भी एक यूरोपियन यूनियन का जो है वो उसमें हिस्सा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, ठीक है। G8 कैन रेफर टू अ मेंबर स्टेट्स और टू द एनुअल समिट मीटिंग ऑफ द G8 हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। द फॉर्मर टर्म G6 इज नाउ फ्रिक्वेंटली अप्लाइंग टू द 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज विद इन द यूरोपियन यूनियन। G8 मिनिस्टर आल्सो मीट थ्रू आउट द ईयर, सच एज G7 और G8 फॉरन मिनिस्टर्स हु मीट 4 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। G8 के जो मिनिस्टर्स हैं वो साल में सिर्फ एक थ्रू आउट पूरे साल ही मिलते हैं, आल्सो मीट थ्रू आउट द ईयर्स, लेकिन जो आपके G7 और G8 के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक साल में 4 बार मिलते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए आपका 36th G8 समिट जो आपका हंट्सविले में ओंटारियो में होगा ये आपका तो 2010 का था, ठीक है, 2010 का जो हुआ था 36th G8 समिट था। उसके बाद अब आप देख लीजिए, ठीक है, आपको करंट याद रखना है कौन सा होगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, इसका ट्रिक देखिए, मत जा रेशमा दीवानी, ठीक है, मत जा रेशमा दीवानी। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं, मैं से मयूर सिंहासन, ये शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ताजमहल, शाहजहाँ किसका पुत्र था, जहांगीर का, ठीक है, और शाहजहाँ का बेटा कौन था, औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब का पुत्र बहादुर शाह जफ़र, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, शह से शाहजहाँ बाग, मा से मोती मस्जिद, और उसके बाद आगे देखिए आपका दीवानी, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, ये आपका जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहाँ बाग और मोती मस्जिद, ठीक है, ये आपके शाहजहाँ ने बनवाए थे। और ट्रिक देख लेते हैं, और ट्रिक आपका है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके स्थायी सदस्य आपके, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके आपके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। देखिए फिर फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। इसका ट्रिक है आपका फ्रेश, एफ से फ्रांस, आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना एंड ई से इंग्लैंड, ठीक है। आप आगे आपकी ओपेक कंट्रीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी ओपेक कंट्रीज़, ठीक है। ओपेक की कंट्रीज़ की ट्रिक है आपकी विस्की, ठीक है, वी से वेंजुएला, आई से ईरान, एस से सऊदी अरब, के से कुवैत एंड आई से इराक, ठीक है। ओपेक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपका ओपेक हैज़ मेंटेन्स हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर आपका वियना में है सिंस 1965 एंड होस्ट रेगुलर मीटिंग्स अमंग द ऑयल मिनिस्टर्स ऑफ इट्स मेंबर्स कंट्रीज। इंडोनेशिया विदड्रॉ इन 2008 आफ्टर इट बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बट स्टेटेड इट वुड लाइकली रिटर्न इफ इट बिकम अ नेट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड अगेन। सो आपकी वैसे देखा जाए तो इसमें 14 जो कंट्रीज़ हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एक कार्टल है, ठीक है, कार्टल है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इज़ ए कार्टल ऑफ 12 डेवलपिंग कंट्रीज़ नाउ, ये आपकी 14 हो गई है, ठीक है। 2016 में आपका गेबन्स इसमें आया था और 2017 में आपका इसमें आया था इक्वेटोरियल गुनियस, ठीक है, 2017 में आया था आपका इक्वेटोरियल
ग्यूनियास, ठीक है, ये 2017 में आया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया था। और इसके जो संस्थापक देश हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको फाउंड किया था, वो हैं आपके वेंजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इराक, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी 12 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये 14 कंट्रीज़ का आपका कार्टल है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो कार्टल है आपका, ठीक है, और ये जो आपकी कंट्रीज़ हैं, इसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं आपकी, और बाकी कंट्रीज़, ठीक है, जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे 14 कंट्रीज़ में से सबसे पहले तो मैं टोटल कंट्रीज़ आपको बता दूँ, 14 उसके नाम बता देता हूँ। गेबन्स 2016 में आई थी, 2017 में इक्विटोरियल ग्यूनियास, अल्जीरिया, अंगोला, इक्विडर, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, ठीक है, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेंजुएला, ठीक है। और उसके बाद जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो भी देख लीजिए, ये जो 14 कंट्रीज़ के मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं आपकी गेबन्स, इक्विटोरियल गुनियास, नाइजीरिया, लिबिया, अल्जीरिया, एंगोला, ठीक है, ये आपकी सारी क्या हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।